व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू सिराज एडिटिंग्स ऑन YouTube चैनल। तो गाइस यार आज का टेम्पलेट वीडियो तो आप ही ने देख लिया होगा दोस्तों। यार इस तरह का टेम्पलेट वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों ई प्लेयर, जिसकी लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां पे मैंने इस एप्लीकेशन के लिंक को कॉपी करके रख दिया है ताकि आप इस एप्लीकेशन को इजीली डाउनलोड कर सको। और यार दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, तो वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अपने ई प्लेयर ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि दोस्तों इस तरह का टेम्पलेट वीडियो आप किस तरह बना सकते हैं। ई प्लेयर ओपन हमने कर लिया है। ई प्लेयर ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ सकता है। तो सबसे पहले ई प्लेयर में आपको विजुलाइजर लोड करना होगा। तो विजुलाइजर की डाउनलोडिंग लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जाकर विजुलाइजर डाउनलोड कर लेना। विजुलाइजर डाउनलोड करने के बाद विजुलाइजर आपको ई प्लेयर में लोड करना होगा। तो लोड करने के लिए आपको इस पेंसिल आइकन के सामने जो बॉक्स आइकन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको नीचे लोड फ्रॉम फाइल दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको अपनी फाइल विजुलाइजर ढूंढ कर ई प्लेयर में लोड करना है। तो विजुलाइजर का नाम है विजुलाइजर 42, ये विजुलाइजर ई प्लेयर में लोड करना है। विजुलाइजर ई प्लेयर में लोड करने के बाद विजुलाइजर आपके सामने कुछ इस प्रकार खुल कर आएगा। तो सबसे पहले पेंसिल आइकन को क्लिक करना है, फिर आपको ऑडियो प्रोवाइडर के नीचे जो इमेज है आप आपको क्लिक करना है, और आपको साइड इमेज का ऑप्शन दिख रहा है आप आपको क्लिक करना होगा। कस्टमाइज पे क्लिक करना है, नीचे पिक इमेज पे क्लिक करके आपको अपने बैकग्राउंड के लिए इमेज ऐसे सिलेक्ट करनी होगी। तो बैकग्राउंड के लिए इमेज हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। कस्टमाइज पे क्लिक करके आपको नीचे पिक इमेज पे क्लिक करना है, आपको यहाँ से ये वाली पीएनजी इमेज यहाँ पे ऐड करनी होगी। फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, कस्टमाइज पे क्लिक करना है, आपको यहाँ से ये वाली इमेज आपको सेलेक्ट करनी है। फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, कस्टमाइज पे क्लिक करना है दोस्तों, आपको यहाँ से ये वाली इमेज आपको सेलेक्ट करनी है। फिर आपको ब्लर इफेक्ट के नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, कस्टमाइज पे क्लिक करके नीचे पिक इमेज पे क्लिक करना है, आपको यहाँ से ये जेफ लाइट लाइन वाली इमेज यहाँ पे ऐड करनी होगी। फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, कस्टमाइज पे क्लिक करके नीचे पिक इमेज पे क्लिक करना है, आपको अपने यूट्यूब चैनल का टेक्स्ट लोगो यहाँ से ऐड करना होगा। फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, कस्टमाइज पे क्लिक करना है, नीचे पिक इमेज पे क्लिक करके दोस्तों आपको यहाँ से ये जेफ लाइट लाइन वाली इमेज यहाँ पे ऐड करनी है। फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, कस्टमाइज पे क्लिक करना है, नीचे पिक इमेज पे क्लिक करके आपको वापस ये जेफ लाइट लाइन वाली इमेज यहाँ पे ऐड करनी है। फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, कस्टमाइज पे क्लिक करना है, नीचे पिक इमेज पे क्लिक करके दोस्तों आपको यहाँ से ये वाली जेफ इमेज यहाँ पे ऐड करनी है। फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, कस्टमाइज पे क्लिक करके नीचे पिक इमेज पे क्लिक करना है, आपको वापस ये वाली जेफ इमेज यहाँ पे ऐड करनी है। फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, कस्टमाइज पे क्लिक करना है, नीचे पिक इमेज पे क्लिक करके दोस्तों आपको यहाँ से ये बॉर्डर पीएनजी इमेज यहाँ पे ऐड करनी होगी। फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, कस्टमाइज पे क्लिक करना है, नीचे पिक इमेज पे क्लिक स्पीकर पीएनजी इमेज यहाँ पे ऐड करनी है। फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, कस्टमाइज पे क्लिक करना है, नीचे पिक इमेज पे क्लिक करके आपको यहाँ से ये वाली जेफ इमेज यहाँ पे ऐड करनी होगी। फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, कस्टमाइज पे क्लिक करना है, नीचे पिक इमेज पे क्लिक करके आपको यहाँ से ये वाली जेफ इमेज यहाँ पे ऐड करनी है। फिर आपको कंपोजिशन 1 के नीचे जो पार्टिकल का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, जनरल में जाकर इसे यहाँ से विजिबल कर लेना है। सेकंड पार्टिकल का ऑप्शन पर क्लिक करना है, जनरल में जाना इसे भी यहाँ से विजिबल कर लेना है। फिर बार के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जनरल में जाकर इसे भी यहाँ से विजिबल कर लेना है। और दोस्तों हमारा टेम्पलेट वीडियो पूरा कम्प्लीट हो चुका है, तो हम इस वीडियो को एक बार प्ले करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा टेम्पलेट वीडियो पूरा कम्प्लीट हुआ या नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा टेम्पलेट वीडियो पूरा कम्प्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको यहाँ पे टैप करना होगा, प्रीसेट पे क्लिक करना है। दोस्तों इस वीडियो की क्वालिटी आपको यहाँ से चूज़ करनी है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको सबसे कम एम बी और अच्छी क्वालिटी में सेव करनी है तो आपको यहाँ से ये वाली क्वालिटी चूज़ करनी है। बेसलाइन पे क्लिक करना है, इसे यहाँ से मेन कर लेना है। फिर आपको नीचे हाई डेवलपर पे टिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है और आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर फोटो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।